दिस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस राइट नाउ ये है वाराणसी का सेकंड ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से और अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस 12346 जिसको बोलते हैं 22346। तो ये ब्लॉग मैं दिखाने वाला हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस का माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो अभी मैं हूँ वाराणसी जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो अभी तुम्हें फुल टूर दूंगा। काफ़ी गर्मी हो रही है राइट नाउ। अभी जो टेम्परेचर हो रहा है आज के दिन वो है 46 डिग्री सेल्सियस। और अभी पता नहीं कितना टाइम, अभी कितना करेंटली कितना हो रहा है ये मुझे नहीं पता। अभी आई गेस 38 हो रहा है। तो अभी ट्रेन में चलते हैं और आपका कलेक्शन। गाइस फाइनली आ चुका है ये मेरा ट्रेन, देख सकते हो वंदे भारत। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी अपन इस पर चढ़ेंगे और अंदर का भी पूरा फुल टूर देंगे। ये मेरा बैग है। सो मैं फाइनली आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे ये पूरा कोच है। और यहाँ पीछे भैया भी आए क्लीन करने के लिए। तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा छोटा सा दोस्तों ये रहा पूरा दोस्तों, यहाँ से एंट्रेंस है और देख सकते हो जैसे मैं जर्मनी में था वहाँ पे भी कुछ इस टाइप का गेट बना हुआ था जो प्रेस करने से ऑटोमेटिक खुल जाता है। एंड खैर हमारे इंडिया में तो ऐसे ही लोगों का लगेज रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो लोग वैसे ही अपना लेके चल रहे हैं। बट ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मेरा सीट यहीं पर है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं बैठा हूँ और राइट। सो गाइस तुम लोग ने देख लिया वंदे भारत ट्रेन कैसी दिखती है अंदर से। मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। और अब मैं थोड़ा सा तुम्हें वॉशरूम टूर देना चाहता हूँ। काफ़ी बढ़िया वॉशरूम बनाया है तो छोटा सा टूर। तो यहाँ पे तुम बटन प्रेस करोगे ये ओपन ऑलरेडी है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता और मैं आ चुका हूँ वॉशरूम के अंदर। और ये रहा वॉशरूम, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। जो पहले आता था ट्रेन उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड आई एम हियर, काफ़ी स्पेसेस भी है देख सकते हो, यहाँ से लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे ऑफकोर्स कमबोर्ड है और ये ऑटो लॉक जैसा है होता है। आई डोंट नो ये ऑटो लॉक है या नहीं है, आई गेस ये यहाँ से खुल भी जाएगा वापस, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी अपना हाथ वॉश कर लेता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा डिनर टाइम भी हो गया है। और अभी इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे बाहर। तो मैं थोड़ा सा डिनर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा डिनर भी आ चुका है। यहाँ पे पुलिस भी है क्योंकि टिकट चेक होने वाला है अभी, तो जो विदाउट टिकट उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। एंड नाउ आई एम हियर विद द फूड। ये देखते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फूड यहाँ पे है इन्होंने जो मुझे दिया है। एंड सुबह अभी देखो मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, एक पानी का बॉटल, बाकी इनका एक मील आया मुझे। इसमें दाल है, इसमें सब्जी है, ये कर्ड है, ये राइस है, ये रोटी है और इसमें एक मिठाई है। बाकी तुम्हारा सब कुछ दिया हुआ है। एंड एक बार पापा जी से पूछ लेते कैसा फूड है क्योंकि आई एम विद माय फादर। बताइए तो फूड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो अभी फूड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी आराम से मील इन्जॉय करते हैं। एंड खाना हो चुका है डन और मैं ऐसे ही बैठा होता और खुश खुश तुम्हें दिखाना था यहाँ के फीचर्स के बारे में, वो तुम देखे। और एक सौ खाना हो चुका है डन और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ फीचर्स इस ट्रेन के बारे में। तो अभी मैं वीडियो देख रहा था पैसेंजर प्रवीर की, वीडियो न्यूयॉर्क की। तो अभी तुम्हें दिखाता हूँ नीचे यहाँ पे कुछ फीचर्स। नीचे देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट्स बना हुआ है एंड वहाँ पे भी चार्जिंग स्लॉट्स का है, सीट्स के नीचे ही है, ऊपर लाइट्स भी है। एंड काफ़ी इंस्पिरेशन इसका लिया गया है तुम्हारा एक फ्लाइट से ही, तो देख सकते हो। और यहाँ पे हर थोड़े थोड़े देर पे अनाउंस हो रहा है स्पीकर से, सुन सकते हो। तो लाइक अभी तुम्हारा जो भी टाइम होगा, कोई भी स्टेशन पहुँचोगे तो उसके पहले अनाउंस करता ही है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल है कि कोई इशू ना हो। एंड स्लाइड भी इंस्टॉल है, साइड स्लाइड से, तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं तुम लोगों को यहाँ देख सकते हो, मैं वीडियोस देख रहा था इनका पैसेंजर प्रवीर की न्यूयॉर्क वाली वीडियो। तो अभी इसको बंद कर दें और तुम्हें थोड़ा सा बाहर में और इसे दिखा देता हूँ। एंड लास्ट तुम देखोगे तो यहाँ पे एक टीवी लगा है जो यहाँ पे करंट स्पीड बताता है
एंड नेक्स्ट स्टॉप क्या है, तो काफ़ी अच्छे डिटेल्स से यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है। एंड तो मैं ऑलरेडी मैंने ये सारे पार्ट्स दिखा दिए हैं, तो यहाँ पे मेडिकल फर्स्ट एड किट भी है, तो आई मिस लिविंग इट। और इंट्रेंस पे भी कैमरा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ इस ट्रेन में सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी सिक्योरिटी तो यहाँ देख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग मैंने यहाँ पे ये भी नोटिस किया है कि हर थोड़ी देर पर पुलिस ज़रूर आ रही है, तो पुलिस मतलब अपने आप चेकिंग कर रही है, अपना उनके पास सारे वेपन्स हैं ही एंड उनके पास डेटा भी रहता है कि कौन से पैसेंजर है एंड एवरीथिंग। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ये मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है, तो इसका भी तुम्हें मैं 2 मिनट दिखा देता हूँ। तो गाइस कभी भी तुम लोग का रूट चेक कर लेना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हूँ इस ट्रेन से, तो आई रियली डोंट नो कि इसका क्या क्या रूट है। लाइक आई वॉज ट्रैवलिंग हियर विद माई फादर, तो उन्होंने ही मतलब ये प्लान किया एंड देन एवरीथिंग ही डिड इट। ओके तो अभी मैं ये तुम लोग को, यहाँ पे सारे फूड स्टोर होते हैं, तो लाइक काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। जो ओल्ड तुम्हारी ट्रेन है उससे तो काफ़ी बेटर है अभी ये है, तो एंड काफ़ी एडवांस है। तो ठीक है गाइस, अभी आराम से भी बैठते हैं एंड मेरे स्टेशन आने का थोड़ा टाइम है, तो जब वहाँ पहुँचूंगा देन आई विल शो यू। 1